अस्सलाम वालेकुम। रोटी चावल चुटकी मार के आ चुकी है आपके साथ एक और मज़ेदार नई और डिफरेंट पास्ता मैक्रोनी की रेसिपी लेकर। तो उसके लिए एक बड़ा पैकेट, एक किलो का ये मैक्रोनी है, पूरा पास्ते का पैकेट है। फिर ये लेमन जूस है, ये 3 खाने के चमचे है, ये है केचप, ये तकरीबन 6 खाने के चमचे बनते हैं, और ये 2-3 हरी मिर्ची कटी हुई, 2 अदद साबुत रखी है खूबसूरती के लिए, और ये है बंद गोभी जो है एक छोटे साइज़ की, ये मोटी मोटी काट लें, ये 2 अदद टमाटर है इनको काट लें, और ये है दूध, ये एक छोटा कप, और कुकिंग ऑयल जो है ये है खाने के 8 चमचे बनते हैं ये, और ये है चिकन, ये 400 ग्राम है, और ये आलू है, ये मैंने काट के धो के इनको बॉईल कर लिया है, चिप्स की शक्ल में आपने काट लेना है, ठीक है। और ये जो है ये सॉस है, कोई भी सॉस घर में हो आप यूज़ कर सकते हैं, टोमेटो सॉस और चिली सॉस, गार्लिक सॉस, कुछ भी, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये है शिमला मिर्च है, ये 1 अदद शिमला मिर्च है, और ये जो है गाजर है घिसी पिटी पुरानी गली सड़ी हुई, लेकिन मैंने सिर्फ कलर के लिए रखा है, ज़रा अच्छा जो है ना बन जाता है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो ना लें क्योंकि मौसम नहीं है, तो मैंने तो वैसे ही जो है वो ले लिए। ये 1 अदद छोटी सी गाजर है, और उसके अलावा जो है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम डालेंगे 1-1 खाने का चमचा, वो अभी मैंने इधर नहीं रखा, वो साथ साथ आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो चलते हैं, अभी पहले पानी रखते हैं और उसको बॉयल करते हैं, फिर उसके बाद पास्ता डालेंगे। अच्छा, ये 3 लीटर पानी है और इसको बॉयल करने के लिए रखेंगे, और इसमें जो है ये डाल देना है 1 चाय का चमचा नमक फुल, ये डाल देंगे 3 लीटर पानी में। फिर इसमें हमने जो मैक्रोनीज हैं वो हमने बॉईल करनी है। पानी हमारा अब बॉईल हो चुका है, अब इसमें पास्ता डाल देते हैं। इसको थोड़ा आप मिक्स कर लें ताकि ये बराबर बराबर हो जाए और जुड़े नहीं आपस में, और इसमें जो है चंद ड्रॉप्स जो हैं वो ऑयल के भी हम डाल देते हैं, ये डाल दिए, और बगैर टाइम ज़ाया किए साथ ही हम जो है वो इधर बनाते हैं चिकन, और सॉसेस बनाते हैं और वेजिटेबल फ्राई करते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालें और फिर उसके बाद जो है ये इसमें डाल देंगे चिकन, इसको करेंगे फ्राई। ये डालेंगे 1 खाने का चमचा है लहसुन का पेस्ट, और 1 खाने का चमचा इसमें अदरक का पेस्ट, फ्राई हो चुका है और अदरक लहसुन भी इसमें सही सेट हो गया है। तो अब क्या करेंगे कि ये इसके अंदर मैक्रोनी जो बॉयल हो रही है इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। मिक्स करें, बाकी ऑयल है वो उसी बर्तन में आप डाल दें और सब्जियां डालनी शुरू करें। डाल देंगे, फ्राई हो चुके हैं, अब ये मसाला डाल दें सारा, मिक्स करें, केचप और सॉस, और ये मिक्स कर लें, बस ये अब रेडी हो चुकी है, चूल्हा ऑफ कर दें।
सॉस जो है और सब्जियां बिल्कुल रेडी हैं। आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसको आप अलग भी सर्व कर सकते हैं क्योंकि ये भी रेडी है बिल्कुल, इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसमें मिक्स करके भी कर सकते हैं। पानी हमने सारा बिल्कुल खुश्क कर लेना है, जो इसके अंदर जिसने हमने बॉईल किया था 3 लीटर पानी में ही हमने 1 किलो मैक्रोनी जो है खुश कर दिया पानी। कितनी मज़ेदार टेस्टी और यूनिक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और इतनी जल्दी झटपट से चुटकी मार के तैयार हो गई है। और आप इसको इंजॉय करें, मज़े करें। जैसे कि मैंने बताया, आप इसको मिक्स करके खाएं, अलग सर्व करें, दोनों सूरतों में बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। और ये हो गया मिक्स और ये अब तैयार है। चूल्हा ऑफ कर दें और ये अभी थोड़ी देर तक बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, मज़ीद अच्छी भी हो जाएंगी और मज़ेदार भी। तो ये थी आज की मज़ेदार टेस्टी रेसिपी और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बहुत ही डिफरेंट मज़ेदार रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।